कि अभी तक एसआईटी नहीं चालू कर पाए हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लाया हूं इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड आज बेहद स्पेशल गेस्ट हमारे बीच मौजूद है बिजनेस एंड फाइनेंस कंसल्टेंट प्लीज वेलकम संजय कथुरिया जी इन बिटवीन अस थैंक यू थैंक यू सी यू हमेशा आपके एपिसोड देखता रहा हूँ और आज आपके सामने बैठा हुआ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सो संजय जी ये हम सभी जानते हैं कि भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी दिखती है कहीं स्कूल्स में तो पढ़ाई भी नहीं जाता है सो वॉट इज योर टेक ऑन दिस की फाइनेंशियल एजुकेशन पर कैसे काम किया जा सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखिए फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में जो है एक डेटा ने बताया था कि करीबन पिचत्तर से अस्सी प्रतिशत लोग आज भी फाइनेंशियली अनएजुकेटेड है जो व्यक्ति शायद आई से पढ़ाई भी कर चुका है आई से भी पढ़ाई कर चुका है वो भी फाइनेंशियली अनएजुकेटेड है आज मैं अपने साथ ही जब मैं अपने कम्युनिटी में देखता हूँ लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैं 50 इयर्स की हो गई हूँ मैंने अभी तक एस चालू नहीं करी है और मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत डरा देती हैं एक बात हमेशा मैं तो एक ही मेंटर मानता हूं मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं वॉरन बुफे तो वो जो एक एक क्लाइंट कहते हैं वो मोती सो, सोना सब कुछ एक एक ही अंदर जड़ा हुआ है वो है कि वो कहते हैं कि इफ यू आर हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी यानी कि अगर आपकी सिर्फ एक इनकम की सोर्स है तो आप बस जिस दिन वो इनकम की सोर्स गई तो यू आर फिनिश्ड तो इसीलिए वो बार बार इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं प्लांटिंग अ ट्री की बात करते हैं कि भाई मनी प्लांट जिसे कहते हैं तो आपको मनी प्लांट में पहले सीट डालना पड़ता है कोई भी प्लांट में सीट डालना पड़ता है उसी तरह मनी प्लांट में भी आपको सीट डालना पड़ता है तो फाइनेंशियल एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम का अंग ही नहीं रहा है अब उसके अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर कुछ चर्चाएं हो रही हैं काफी लोग इस पर इनिशिएटिव ले रहे हैं प्राइवेट लेवल पर इनिशिएटिव ले रहे हैं पर मुझे अभी भी सरकार के लेवल पे या फिर मुझे स्कूल्स के लेवल पे ऐसी कोई इनिशिएटिव होते हुए नहीं दिख रहे उसके दो तीन और कारण है सर उसमें एक कारण यह भी है कि कुछ पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को फाइनेंस के बारे में सिखाना ही नहीं चाहते वो चाहते छोटा है अभी तो उसको यू नो कुछ और पढ़ाई करनी चाहिए खर्चा नहीं करना चाहिए हाँ बस ये तो आज तक किसी पेरेंट ने बच्चे को खर्चे और निवेश के बीच में फर्क नहीं बताया कि एक खर्चा होता है एक निवेश होता है आप एक आईफोन लेते हो वो आईफोन खर्चा भी हो सकता है वो आईफोन निवेश भी हो सकता है आप उसका इस्तेमाल क्या करने वाले हो उस पर निर्भर करता है yes. अगर आप उसमें फालतू रील्स देखने वाले हो टाइम पास करने वाले हो दिन रात गर्लफ्रेंड से बात करने वाले हो बॉयफ्रेंड से बात करने वाले हो तो वो खर्चा है पर उस पर आप अपना एक यू, यूट्यूब चैनल बनाते हो इंस्टाग्राम चैनल बनाते हो रिकॉर्डिंग्स करते हो कॉन्टेंट डालते हो या फिर किसी प्रकार का कोई भी चीज करते हो आजकल कर ट्रेडिंग अगर आप सीख के ऑनलाइन कर लेते हो तो वो दट इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट तो वो आपको पैसे कमा के दे सकता है तो कुछ लोगों के लिए आईफोन खर्चा भी है कुछ लोगों के लिए आईफोन निवेश भी है तो आज तक हमारे पेरेंट्स ने या आज के भी पेरेंट्स ने कभी डिनर टेबल पे ये सारी बातें नहीं की जो कम्युनिटी ये सारी बातें करती है आप अहमदाबाद में रहते हैं गुजराती कम्युनिटी पे रॉकिंग है तो वो लोग के डिनर टेबल पे ये बातें होती हैं पेरेंट्स ये बात करते हैं और इसलिए आप उसका इंपैक्ट भी देखते हैं उनके बच्चे भी ये बात करते हैं उनके बच्चे पैसों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं हमारे यहां क्या है कि लोगों ने इंडियन अगर आप एजुकेटेड है यानी आपने प्रॉपरली अपनी बी कर ली बी कर ली तो आप एजुकेटेड हो जाते हो पर एजुकेशन नहीं है आज मैं गुजरात में ऐसे बच्चे देखता हूं जो फुल्ली एजुकेटेड नहीं होते पर उनकी फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग पैसे को लेकर अंडरस्टैंडिंग शायद उनको टर्म्स नहीं आते पर फिर भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है बनिया अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं वो बहुत गजब होती है वो क्यों होती है क्योंकि डिनर टेबल पर वो डिस्कशन होता है ट्रू सर लोग कहते हैं शुगर एक हेरिडिटरी डिजीज है शुगर एक हेरिडिटरी डिजीज नहीं है शुगर हेरिडिटरी इसलिए बनती है क्योंकि आप डिनर टेबल पे लंच टेबल पे सेम खाना खाते हो तो आपके पेरेंट्स जो खाना खा रहे थे वही खाना आप खा रहे हो तो उनको भी उसी खाने से शुगर हुई और आपको भी उसी खाने से शुगर हुई तो आपको यह लगता है क्योंकि मेरे मेरे फादर को को शुगर शुगर थी तो मेरे को शुगर है ये है यह गलत धारणा इसी तरह तरह फाइनेंशियल एजुकेशन भी एक हेरिडिटरी आप कह सकते हो डिजीज की तरह देखा जाना चाहिए क्योंकि डिनर टेबल पे अगर माता पिता फाइनेंस की बात नहीं करते बताना नहीं बच्चे को पता नहीं होना चाहिए पैसा कहा है वो बिगड़ जाएगा वो आज समझ नहीं पाएगा तो वो जो डिनर टेबल पे डिस्कशन नहीं हुआ वो आगे जाके उनके बच्चों की फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत मैसिव इम्पैक्ट करता है जिस तरह आप सेम खाना खा के उनको शुगर की बीमारी दिला रहे हो उसी तरह आप उनको फाइनेंस की बातें ना करके उनको फाइनेंशियली डिसेबल कर रहे हो बहुत ही खूबसूरती से आपने समझा दिया तो अभी आपने एक पॉइंट हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि देर आर मेनी पीपल फू आर गुड इन जनरेटिंग इनकम जैसे आपने कहा एक सोर्स ऑफ इनकम तो कई लोग कोई सेल्स में अच्छा है कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है तो वो इनकम जनरेट करने में तो अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी वेल्थ बिल्डिंग में अच्छे नहीं होते ये दोनों गेम किस प्रकार अलग हैं और किन रूल से खेले जाते हैं अगर इसको थोड़ा आप डिफरेंट कर सकें देखिए हमारे ना अधिकांश चीजें जीवन में जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट यू पुट इन टू दैट सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए जी तो आप चार घंटा जिम करोगे वर्सेज छह घंटा जिम करोगे तो छह घंटे जिम वाले की जल्दी और ज्यादा अच्छी बॉडी बनेगी तो हमारा माइंड क्यों ट्रेड क्या ट्रेंड है कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा अच्छी बॉडी बनेगी जब आप जॉब पे जाते हैं तो आप कितने ज्यादा देर काम करते हैं उस पर आपका अप्रेजल इंक्रीमेंट निर्भर करता है कि भाई मैंने बारह घंटे काम किया चौदह घंटे काम किया सैटरडे भी काम किया संडे भी काम किया तब तो के जाके मेरी तनख्वाह बढ़ेगी मेरा मैनेजर uh, से सीनियर मैनेजर बनूंगा तो हर चीज जो हम जीवन में कर रहे हैं उसमें हमारा माइंड ट्रेंड है कि ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा पर प्रॉब्लम यह है कि निवेश एक ऐसा फील्ड है जहां आप जितना ज्यादा करोगे उतना कम मिलेगा तो आपका एफर्ट और आपका आउटकम इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में wow. प्रोपोर्शनल तो तो है सूरज के सामने उसको रखना एक बेसिक तीन चार चीजें हैं जो हो सकता है दस पंद्रह मिनट में दिन में कंप्लीट कर सके अगर आप पेड़ में पानी डालते नहीं नहीं मैं जितना पानी डालूंगा उतना जल्दी पेड़ भर जाएगा वो तो भर जाएगा बेचारा ठीक है हाइड्रेट हो जाएगा सॉइल खराब हो जाएगी यही इन्वेस्टमेंट है आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है एक बार कर दिया बीज डाल दिया धीरे धीरे वो अपने आप उगेगा उसमें कोई जल्दी नहीं हो सकती देर इज नो वे टू मेक क्विक मनी इन दिस वर्ल्ड द ओनली वे टू मेक क्विक मनी इन दिस वर्ल्ड इज बाय वर्किंग ऑन योर एक्टिव स्किल्स अगर आप 50,000 की तनखा पे हो अपने स्किल सीखते हो अपने जो जॉब कर रहे हो उसमें बेटर हो जाते हो तो आप अपनी तनख्वाह को अगले साल 50,000 से एक लाख डेढ़ लाख भी कर सकते हो पर इन्वेस्टमेंट में आप 50,000 को एक लाख डेढ़ लाख नहीं कर सकते एक दो साल के अंदर तो इन्वेस्टमेंट्स क्यों अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि जीवन में जो हमें अधिकांश चीजें सिखाई गई हैं, कि योर मोर एफर्ट्स विल गिव यू मोर इज ऑपोजिट इन इन्वेस्टमेंट्स मोर एफर्ट्स विल गिव यू वेरी बैड रिजल्ट एक रिसर्च हुई है अमेरिका में कि जितने एक्टिव म्यूचुअल फंड है तो नब्बे परसेंट एक्टिव म्यूचुअल फंड एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है जहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है डिसाइड करता है कि मैं कौन सा स्टॉक लूंगा कौन सा स्टॉक नहीं लूंगा ठीक है

टेड सीडस करके बंदा था उसके साथ एक बेट लगाई तो वॉरेन बैठ ने बोला देख भाई मैं अपने पैसे पटक रहा हूं पैसिव फंड में और तू तो एक्टिव मैनेजर है तू चल मैनेज कर पैसा दोनों एक अमाउंट ऑफ पैसा स्टार्ट करते हैं दस साल बाद मिलेंगे अच्छा दो की बेट थी दस साल बाद मिलेंगे जिसके ज्यादा रिटर्न बने होंगे जिसके कम रिटर्न बने होंगे जिस वो उस आदमी को पैसे देगा जिसके ज्यादा रिटर्न बने होंगे बैठती वन मिलियन डॉलर की ओके। अब वॉरेन रुफे ने क्या किया एक बार पैसा उठा के पैसे इनकम फंड में डाल दिया उसके बाद ना देखा ना कुछ किया कुछ भी नहीं किया वही बीज डाल दिया भूल और भूल गए गए और ये भाई रोज लगा हुआ है टीम लेके बैठा हुआ है और उसमें रिसर्च कर रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहा है एग्जिट कर रहा है एंट्री कर रहा है ट्रांजेक्शन कॉस्टिंग कर कर रहा है दस साल बाद दोनों मिले वॉरन बुफे ने एट्टी फोर परसेंट के आसपास रिटर्न कमाए दस साल में एनुलाइज नहीं टोटल टोटल अब यूएस में ना बहुत अच्छा रिटर्न होता है क्योंकि यूएस में एफडी का रिटर्न एक परसेंट होता है तो वहां एट्टी फोर परसेंट दस साल मतलब छह सात कंपाउंडेड बहुत बड़ी बात होती है इसी अवधि में टेट सीडर्स ने छब्बीस परसेंट रिटर्न कमाए wow. <laughs> तो एक आदमी जो एक्टिवली फंड को मैनेज कर रहा था इंटेलिजेंट था फंड मैनेजर था सालों से फंड मैनेज करता है वो पैसिव फंड से हार गया पर एक लंबी अवधि में दस साल की अवधि में yes. तो आज एक बंदा जो इनकम जनरेट कर रहा है वो कुछ इंस्टाग्रामर्स को देख के यूट्यूबर्स को देख के कि मैंने जो है ये शेयर इतने प्राइस में खरीदा आज वो पांच गुना हो गया चार गुना हो गया तीन गुना हो गया ये देख के एक्साइट हो जाता है वो ये नहीं देखता कि ये एक जर्नी है ये भी एक करियर है तो एक आपका नॉर्मल करियर होता है एक आपका इन्वेस्टमेंट करियर होता है आपका फोकस नॉर्मल करियर पे करो इन्वेस्टमेंट करियर को साइड में बस बीज डाल के छोड़ दो वो इतनी प्यारी चीज है अपने आप ग्रो करता रहता है आप उसको छेड़ोगे ना तो वो पेड़ खराब हो जाएगा अब ये होता नहीं है क्योंकि जैसे एक हमारी भाषा में कहते हैं चुल लगी होती है सबको कि खुजली है चुल है कुछ तो करूं कोई बटन दबाऊं क्योंकि अब इतना ईजी हो गया है पहले क्या होता था जब मेरे फादर 1981 से इन्वेस्ट करते तो तब क्या होता था कि न्यूज़पेपर में हफ्ते के बाद आता था कि रिलायंस का प्राइस कितना मूव हुआ एक हफ्ते में अब आपको एक माइक्रो सेकंड का भी पता चल जाता है तो तब लोग डिसीजन ही नहीं लेते थे तो ऑटोमेटिकली लोगों की होल्डिंग पीरियड बढ़ गई क्योंकि आपके सामने एक्टिवली स्कोर बोर्ड नहीं है ना ट्रिगर्स नहीं है ट्रिगर्स ही नहीं है अरे यार ये देख क्या दिखा कुछ हो गया वो फेड ने रेट काट दिया ये कर दिया वो कर दिया ये प्राइस नीचे गिर गया आज दो परसेंट गिर गया आज एक परसेंट गिर गया तो वो सब अब दिखता ही नहीं था आपको एक एक हफ्ता तो डिसीजन ही नहीं लेता था आदमी तो आज डिसीजन फटी गए नहीं क्योंकि आपने फटाफट देखा कट कट आउट किया आउट किया तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक इंश्योर करती हैं कि एक व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो ये सोचता है जो बाकी चीजों में जीवन में लग रहा है वही यहाँ लगेगा तो माइंडसेट का कितना रोल है इसके अंदर एक तो स्किल भी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग गेम की होना कितना लेवल तक अंडरस्टैंडिंग्स और स्किल का रोल है और कितना माइंडसेट का रोल है अगर आप उस पर कुछ एक्सप्लेन कर सके देखिए एक व्यक्ति का स्किल का रोल इसमें मुश्किल से पांच से दस परसेंट okay. क्योंकि मैं में पैसा डालूंगा। तो मुझे क्या स्किल, चाहिए? स्किल तो उधर बैठी हुई है मैनेजर की। वो लगा रहा है पैसा अपने अप। तो हमेशा किसी फंड मैनेजर के थ्रू ही ऑडियंस से बात करता हूँ आपके पास पैसे की तो नॉलेज है नहीं तो आप ये सोच रहे हो कि आप एक बैलेंस शीट स्टडी कर लोगे रिलायंस आज बैलेंस रिलायंस के ओनर को नहीं पता होगा उसकी बैलेंस <laughs> मतलब इट इज सच अम्प्लीकेटेड बैलेंस शीट ट्रू ट्रू एंड सेम इज विद ऑल बिग कंपनीज आपको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती है आपको मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है जो फंड मैनेजर है वो पंद्रह साल से ये काम कर रहा है उसका रोज का काम है वो मार्केट के अंदर बैठा है उसको इन्फॉर्मेशन पहले ट्रैवल होती है वो डिसीजन ले सकता है वो इमोशन uh, लेस है आप इमोशनल हो ठीक है आपको ये सब चीजों का कंट्रोल ही नहीं है उसको सब चीजों का कंट्रोल है तो आप अपना पैसा उसको दे दो ना उसका रोज का काम है आप अपने काम पे फोकस करो आप अपनी तनख्वाह को डबल करो ट्रिपल करो ना ताकि ज़्यादा ज़्यादा से पैसा उसको दे राइट। right. तो हमारे यहां क्या है सबको अच्छा मोहताजी अच्छा। का मतलब नहीं करनी है ऑफिस के बाद आके एक घंटे की पढ़ाई कर लू या दो घंटे की पढ़ाई कर लू कुछ सीख लू कोई कोर्स ले लू वो नहीं करना है मेरे को क्योंकि उसमें मेरा एफर्ट जाता है तो मुझे क्या करना है मुझे करना है कि भाई स्टॉक मार्केट से पैसा बन जाए और मेरे को साल का चालीस परसेंट पचास परसेंट बना क्यों बनेगा ये वॉरन मुफे पिछले साठ साल से बीस परसेंट रिटर्न बना रहा है सिर्फ बीस परसेंट और आजकल के बच्चों को लगता है कि दिन दस परसेंट बनना चाहिए कि पचास हजार डालू तो दिन के अंत में पांच हजार एक्सपेक्टेशन तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत होगी तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट ब्रेक होना ही वाला है वो जो एक इंस्टेंट uh, ग्रेटिफिकेशन की आज हैबिट हो गई है एडिक्शन है लोगों में सब कुछ तुरंत चाहिए जी वो जो दो मिनट में मैगी बनती है वैसे ही चाहिए कि जी मार्केट भी दो मिनट में सब उनके फेवर में कर दे। बिल्कुल। करते हैं टैक्स का देने के लिए आठ करोड़ से तीन लाख लाख लोग एलिजिबल थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देने के लिए उसमें से तीन परसेंट ऐसे थे मतलब दस परसेंट ऑफ तीस परसेंट तीन परसेंट ऐसे लोग थे जिनका एक लाख से ऊपर का गेन था जिसपे एक्चुअली टैक्स लगता है एक इस बजट में एलटीसीजी okay. तो बढ़ा दिया ना थोड़ा सा दस की जगह कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा बढ़ गया मतलब टेन से ट्वेल्व हो गया अब मैं बताता हूं कि मानसिकता बताता हूं डेटा से जो चीज समझ आती है ना वो चीज किसी चीज से समझ नहीं आती आठ करोड़ लोग हैं तीस लाख लोग कुल मिला के एलिजिबल हुए हैं जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बना है किसी का बीस हजार बना होगा किसी का पचास हजार होगा वो तो एलिजिबल ही नहीं है टैक्स देने के लिए क्योंकि एक लाख तक की छूट है उसमें से दस परसेंट लोग ऑफ करोड़ यानी लाख लोग एलिजिबल है अब टैक्स देने के लिए मतलब जिनका एक लाख से ऊपर का, का गेन है ठीक है उसमें भी सबका दस दस लाख तो गेन है नहीं किसी का सवा होगा किसी का डेढ़ होगा आप सोचो ये दस से साढ़े हुआ मेरे हिसाब से दस लाख से ऊपर तो रील बन गई होंगी इसमें हाय <laughs> हाय मार डाला मार डाला मार डाला अरे किस बात का मार डाला तुम हो क्या उस डाई लाख लोगों में जिनको देना एलटीसी मेरे को रोना चाहिए मेरे को देना देनासी <laughs> <laughs> तो पॉइंट ये है कि लोगों को ना हाई हाई करने का बहुत शौक है मोहताजी करने का बहुत शौक है ये बुरा लग सकता है लोगों को बट मैं ये थोड़ा बोलना चाहता हूं जानबूझ के ये बात बोलना चाहता हूँ कि बातों को डेटा से समझो लोग प्रॉफिट्स नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में और ये मैं नहीं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट का बॉस कह रहा है सभी कह रहा है सभी ये कह रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सत्तर परसेंट लोग लॉस कर रहे हैं और अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट जोड़ दो तो नब्बे परसेंट लोग लॉस कर रहे हैं ओहो। और ये लॉस जो है ये चौवन हजार करोड़ का लॉस है साल का अगर इन सबका लॉस जोड़ दिया जाए पर ईयर पर ईयर चौवन करोड़ रुपए का लॉस है मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो हमारे देश की सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसका एनुअल बजट पैंतीस करोड़ होता है तो यहाँ पैंतीस हजार करोड़ रुपए का मतलब बॉम्बे के बजट का टू टाइम्स मोटा मोटी डेढ़ गुना समझ लो डेढ़ गुना गरीब तो भारत वे वर्ष मस्त मस्ती मस्ती में लॉस कर रहा है आज तीन महीने की एसआईपी है चौवन करोड़ रुपए तो इससे अच्छा है लॉस करने से अच्छा एस आई में डाल दो पैसे सो so, यानी कि वॉट यू आर सजेस्टिंग इज कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म गेम में ज़्यादा

तब पता चला कि भाई टेट सीडस तो बाईस पच्चीस छब्बीस परसेंट रह गए और ये भाई चौरासी परसेंट मार गया देखिए कंपाउंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉमूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन तीन चीजें आप कितना पैसा डालते हो वो कितने रेट से कंपाउंड होता है और वो कितने समय तक रहता है इसमें जिस रेट से कंपाउंड होता है ये आपके हाथ में नहीं है क्योंकि मार्केट्स अपने हिसाब से बिहेव करेंगी आप एक बहुत छोटा प्लेयर हो मार्केट में और आप मार्केट्स को डिफाइन नहीं कर सकते बड़े लोग भी नहीं कर सकते तो मार्केट्स के रेट तो आपके कंट्रोल में नहीं है दो चीजें आपके कंट्रोल में आप कितना पैसा डालते हो और कितनी देर के लिए डालते हो अब कितना पैसा डालते हो वो में है पर कितनी हो तो जितना डालोगे उतना इसलिए मैं लोगों को हूं ज्यादा मत कमाओ ज्यादा देर कमाओ कंप्लीटली न्यू ऑडियंस है हमारी ऑलमोस्ट फैरेंस पे बहुत कम गेस्ट आए हैं आज आई थिंक इट्स वेरी गुड कि काफी सारा एजुकेशन लोगों को मिलने वाला है तो काफी सारा हमारा ऐसा ऑडियंस है जो आप ऐसा समझे बिल्कुल बिगनर है इन्वेस्टिंग की समझ में जी तो क्या डूज है जो एक कंप्लीट बिगनर को जो आना चाह रहा है और क्या डोंट्स है अगर आप कुछ मेन अपनी जर्नी से कुछ पॉइंट्स बता सको तो बढ़िया रहेगा देखिये डोंट्स पहले स्टार्ट कर देता हूँ जी जी बिल्कुल कोई भी रिश्ता लंबा तब चलता है जब उसमें अपेक्षाएं कम होती है

तो सर ये ताकत तो सूरज में भी नहीं है कि वो पूरे दरिया को एक साथ सुखा सके तो अगर सूरज में वो ताकत नहीं है, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं तो पहले अपने आप को बताओ कि भाई यू आर नॉट हेयर टू मेक क्विक गेंस यू आर टू हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद द मार्केट बिकॉज लॉन्ग रिलेशनशिप जब आप रखोगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे एक्सपेक्टेशन अगर आप रियल रखोगे अगर आप ये रखोगे एक्सपेक्टेशन कि मेरा पैसा हर साल दुगना होगा आपका दिल खराब होगा आप इस मार्केट को छोड़ के चले जाओगे अगर आप पिच से गए तो आप रन नहीं बना पाओगे तो पिच पे रहो अगर आप कहते हो कि मैं मुझे बारह से पंद्रह का रिटर्न चाहिए जी तो इस मार्केट में क्षमता है कि आपको अगले चालीस साल तक बारह से पंद्रह परसेंट के बीच का रिटर्न दे देगी आज ये स्थिति है हमारे भारत देश की ग्रोइंग कंट्री है ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है बहुत अभी स्कोप बाकी है तो पहली चीज है अपेक्षा कम रखो मार्केट से अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन मत रखो ठीक है दूसरी चीज है कि कंटिन्यूसली डिसिप्लिन तरीके से परसिस्टेंट तरीके से इन्वेस्ट करो अब इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं या तो खुद करोगे या फंड मैनेजर्स के थ्रू करोगे अगर खुद करना चाहते हो तो जिस तरीके से पांच साल लगे डॉक्टरी करने के लिए चार साल लगे इंजीनियरिंग करने के लिए तीन पांच साल लगे एम करने के लिए इसी तरह स्टॉक मार्केट को पहले अच्छे से सीखो खुद आज अगर करना है तो लर्निंग गुजरना पड़ेगा आपको सी करनी पड़ेगी आपको एम फाइनेंस करनी पड़ेगी आपको फाइनेंस के बारे में सीखना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट सीखनी पड़ेगी आपको पी एंड एल सीखनी पड़ेगी आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी हमको कोई थोड़ी छुरी काटा पकड़ा के बोलेगा किसी का सर्जरी कर दो <laughs> कोई यूट्यूब के तो आप और मैं सर्जरी कर नहीं सकते तो आप ये अपेक्षा करते हो कि यूट्यूब आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीद लोगे हाँ, बट लोगों की तो ये एक्सपेक्टेशन है आजकल तो एक्चुअली बस गलत एक्सपेक्टेशन है तो गलत होती है फिर दस परसेंट लोग नब्बे परसेंट लोग लॉस करते हैं फिर गाली देते हैं मार्केट्स को मार्केट को क्यों गाली दे रहे हो आपकी गलती है अगर कोई डिग्री पाने को आज पांच साल लग रहे हैं चार साल लग रहे हैं तो इसमें भी तो कुछ होगा ना इसको भी तो स्टडी करना पड़ेगा आप टिप पे कैसे डिपेंड कर सकते हो यार सी का शेयर खरीद लो आर सी का शेयर खरीद लो, लो तो ये और तीसरी चीज जब इसमें है आपने एजुकेशन ली फिर आप मानसिकता बिल्ड करो क्योंकि ये पैसे की बात है पेपर ट्रेड करना और रियल ट्रेड करने में जमीन आसमान का फर्क होता है जब आप पेपर ट्रेड करते हो आप अज्यूम करते हो आपके पास दस लाख रुपए हैं और आप शेयर खरीद बेच करते हो तो आपका इमोशन नहीं प्ले करता उस टाइम आप कोल्ड होते हो अपना स्टॉप लॉस लेते हो सब कर लेते हो पर यही दस लाख अपने लगा दो एक बार फिर देखता हूँ कितने लोग स्टॉप लॉस ले पाते हैं लोग स्टॉप लॉस नहीं ले पाते तो रिस्पेक्ट करो पैसे की छोट तो ये छोटी छोटी चीजें हैं या तो आप अपने आप सीख लो अगर आपका मेन व्यवसाय स्टॉक मार्केट नहीं है अगर आप नौकरी कर रहे हो अगर आप बिजनेस कर रहे हो अगर आप किसी भी तरीके का कंसल्टिंग व्यवसाय कर रहे हो तो प्लीज भूल जाओ इन्वेस्टमेंट को वहां पे डाल दो में, 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 उसकी बाद में चर्चा करते हैं पर भूल जाओ उस को। आप करो अपनी बस ये करना है पैसे के साथ इससे पैसा बन जाता है हाँ। इसके अलावा किसी चीज से पैसा नहीं बनेगा लोग आके बोलेंगे मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया वो शॉर्ट ड्यूरेशन है किसी ने एक साल में किया दो साल में किया कोई बड़ी बात नहीं दस साल में करके दिखाओ पंद्रह साल में करके दिखाओ पंद्रह साल खेलो फिर मेरे से आके बात करना मैं सोलह साल से खेल रहा हूं तब तो एप्पल टू एप्पल हो गए ना मेरे साथ right. मैंने तो कितने दो हजार आठ का क्रैश देखा दो हजार नौ दस की चढ़ाई देखी फिर बारह से लेके सोलह के बीच की मैंने फ्लैटनेस देखी सोलह के बाद फिर थोड़ी सी ग्रोथ देखी फिर बीस का क्रैश देखा फिर यहां बैठा हूँ आपके सामने इस बातों का जवाब देते हुए तो इतने साइकिल्स देख के आ गया मैं तो आज अगर कोई बाईस साल का लड़का पच्चीस साल का लड़का अगर आर्ग्यू करता है इस केस पर मैं कर सकता हूँ तो यू शुड टॉक टू मी वन यूर फोर्टी कि तब तक आपने दो तीन साइकिल देख लिए होंगे एक आधा क्रैश देख लिया होगा तब चेक करेंगे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी होती है फिर भी जो ये कई बार लोगों में ग्रीड अंदर से चलती है जो ग्रीड जो इमोशन उनको रोकता है तो हाउ डू यू हैंडल दैट कभी आपको खुद आया कि कभी लगा हो कि नहीं अभी कुछ ज़्यादा या फिर शुरुआत से ही ये पेशेंस आपने डेवलप किया था इसको कैसे कोई कल्टिवेट कर सकता है ऐसे माइंड को वोट डू यू थिंक देखिए कुछ चीज़ें तो थप्पड़ खाके ही समझ आती हैं

मेरे पास एक लाख है ना सर आपसे दस लाख ले लूंगा उनसे दस लाख ले लूंगा अपना दस लाख लगा दूंगा फिर ये तीस लाख के साथ गैम्बल करूंगा अब मेरे पे ट्रिपल लाइबिलिटी होगी ना मेरा तो हंड्रेड परसेंट गया और दो लोगों का हंड्रेड परसेंट मैंने और ले लिया तो प्रॉब्लम आज ये हो गई है कि लोग ये सोचते हैं मेरे बैंक बल लड़के को जानता हूँ ट्वेंटी टू नाव मतलब अभी उसकी उम्र बाईस साल है दो हजार बीस में कोविड में सब ट्रेडर बन गए थे तो वो भी ट्रेडर बन गया उसने कुछ ट्रेडिंग करी तो शुरू शुरू में वो जो बिगनर्स लक होता है वो उसको फेवर कर गया तो 7 को बताया होगा दोस्त इमीडिएट आई जाता है यंग बच्चों में तो किसी ने लाख दे दिया किसी ने पचास दे दिया किसी ने पापा से लेके दे दिया उसने खुद के पापा से ले लिया yeah. करते करते उसने साठ सत्तर लाख रुपए जमा कर अब उसके रिटर्न हो गए जी कम सेवन परसेंट की जगह वन टू परसेंट रिटर्न हो गए ठीक है वो तो टिकते नहीं है रिटर्न तरीके से <laughs> अब उसने सबको प्रॉमिस किया हुआ था Ohoho. तो किसी ने उसको आके बोला कि सर आप एक काम करो भैया आप एक ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑप्शंस होता है आप उसमें पैसा डालो ये ना दस, दस दस गुना हो जाते हैं दिन में ओ, तो उसने सारा सत्तर अस्सी लाख रुपए उठा के ऑप्शन में डाल दिया अब ऑप्शन में डालो ऑप्शन ऑप्शन खरीदने वाले तो पैसा कमाते ही नहीं है तो उसका पूरा सत्तर अस्सी लाख रुपए वाइप आउट हो गया बिकॉज वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया अस्सी लाख रुपए डाउन है सर पच्चीस की तनख्वाह है Oh, साल का तीन लाख कमाएगा अगले तीस साल लोन चुकाएगा वन फाइनेंशियली रॉन्ग डिसीजन कैन टेक यू बैक टेन टू ट्वेंटी तो अगर आपको मस्ती करने का मन है अगर कहीं भी अर्ज हो रही है खुजली हो रही है तो पूरा कैपिटल मत डालो पूरा पोर्शन डालो टेस्ट कर लो इस इसपे भी हमारे गुरु जी की एक बात है हमारे गुरु जी कहते हैं डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ वॉटर्स विद बोथ योर फीट बड़ी सिंपल <laughs> <simple laughs> बात है कि जितना दोनों पैरों से अगर अंदर चले करो बहुत गहरा है तो तुम तो, तो, तो सीधा अंदर पर थोड़ा पैर डाला पता चला अच्छा अरे मिल रहा नहीं है मिल रहा नहीं तो आप सेफ हो बाहर से से के, 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 <laughs> तो हम भी वही करते हैं आज भी मैं थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता मस्ती मैं करता हूं पर वो कैपिटल इतना छोटा है मेरे टोटल कैपिटल का इतना छोटा पोर्शन है कि फर्क ही नहीं पड़ता खो गया तो खो गया ठीक मस्ती थी आई कैन अफोर्ड इट तो यू प्ले सट्टा उतने से खेलो जितने से आप अफोर्ड कर सकते बाकी को चुपचाप अपना काम पे लगाओ मैं पर एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे हमारे दिन महीने में हम नब्बे मील्स खाते हैं ब्रेकफास्ट लंच लंचर तीन मील हो गई तो नाइनटी मील्स फॉर एग्जाम्पल खाते हैं। इसमें से कितनी मील बाहर खाते हैं पांच दस ज्यादा ज्यादा तो यानी नब्बे परसेंट घर पे खाते हैं दस परसेंट घर के बाहर खाते हैं घर पे खाते तो क्या खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी फिक्स है नोटिक मोटी वही चीज होगी एट्टी उसमें भी एट्टी नाइनटी परसेंट चीज़ें होती हैं भाई आपको समझो भिंडी पसंद है तो आप लोग ज्यादा भिंडी बनेगी कोई सीजन चेंज हो गया तो सीजनल कोई वेजिटेबल्स आ जाएगी राइट इसी तरह इन्वेस्टमेंट का

सर आप मना मत करो मेरा मन है मन है मन है तो मन है तो कर ले पर दस परसेंट से कर ले अच्छा वापने मैं पूछने ही वाला था ये सवाल जो बिटकॉइन्स और क्रिप्टो और इन सब का क्या मार्केट है इंडिया में और क्या फ्यूचर है इज इट लेजिटिमेट और क्या ये फ्यूचर होगा कुछ इनके अंदर क्योंकि बिटकॉइन्स पे तो बहुत लोग करते हैं कई बड़े बड़े लोग भी उसके ऊपर करते हैं तो क्या ये पहले तो ये कि क्या ये लीगल है सबसे फर्स्ट चीज तो ये इंडिया में लीगल है क्या सेकंड चीज इसका फ्यूचर क्या है और तीसरा चीज कि लोग इसमें कई टाइम्स टाइम्स रिटर्न रिटर्न की 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 बात 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 करते करते हैं हैं कि होती है तो वो किस तरीके से क्या बबल है ब्रेक होगा तो उस पर थोड़ा एजुकेट कीजिए आप लीगैलिटी के एंगल से अभी क्लैरिटी नहीं है इट्स अ टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट वेदर इट इज लीगल और नॉट अभी ये पता नहीं ओके तो सरकार ने ये नहीं बोला कि ये लीगल है कि नहीं बोला ये इस टैक्स जरूर देना है <laughs> ठीक है तो अभी ये थोड़ा सा ग्रे एरिया चल रहा है तो देखिए आपकी सरकार जिस चीज को क्लैरिटी से नहीं बताती हाँ। मेरे हिसाब से आपको उसको छूना भी नहीं चाहिए अभी पीछे बहुत सारे केसेस हुए कि काफी इन्फ्लुएंसर्स ने एक फॉरेन एक्सचेंज कंपनी एफ कहते हैं हम उसको फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज में में करेंसी एक एक्सचेंज कंपनी है जो जम के इंडिया में स्पेंड कर रही है Uh, मुझे तक आया था जब मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हुआ कि सर आप हमारे लिए कर दो तो वीडियोस तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो आर बी आई बैंड लिस्ट में मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट क्लियर नहीं है उसमें गवर्नमेंट क्लियर है कि ये बैंड है उसके बावजूद काफी इन्फ्लुंसर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं अब उनके कोई रीजन होंगे उनको लगता होगा हमारा घर इसी से चल रहा है पैसे नहीं है कुछ भी हो सकता है मैं मतलब आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट एरिया मेरे नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की हाँ, तो, ये खबर कहां से मिले कि ये बैंड है नहीं है क्यों भी तो इंटरनेट जिंदाबाद आप जाइए चेक करिए आपका फौरन एक्स, फौरन एक्सचेंज के बहुत सारे एप्स को आरबीआई ने रेगुलेट किया हुआ बंद किया हुआ तो आप जाके चेक कर सकते हैं आपको मिल जाएगा आर्टिकल इट इज एज सिंपल इज दैट आप तो इंटरनेट का जमाना है फटाक से मिल जाएगा तो सेकंड चीज है कि गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है इस चीज पे Uh, तो हाँ मैं आ रहा था उस पर कि उस वो बैंड जो ऐप है उसको काफी लोगों ने प्रमोट किया अब ईडी रेड मार रही है उस पर जो जो उनको अकाउंट्स मिल रहे है चाहे छोटा चाहे बड़ा तो अगर आपने हजार डॉलर भी डाले थे दो हजार डॉलर भी डाले थे उस पर आप पकड़े जाओगे और एक बार आपको पता है कि आप इंडियन ऑफिशियल से पकड़े गए तो फिर आपकी पूरी जिंदगी आराम है, है तो क्यों अगेन ऐसा क्यों कोई स्टेप लेना जो आपको आगे दस पंद्रह साल के लिए रुलाए पैसे की बात है ना तो वी बी सेफ तो क्लैरिटी लिगैलिटी में नहीं है देखिए बहुत सारे अभी जितने भी ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस है ये दुबई मूव है या फिर है काफी लोग दुबई मूव कर right. तो, देखिए ये सब अभी एफ क्रैश हुआ उससे पहले डेढ़ दो साल पहले okay. जो दु, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज था बाइनांस uh, जो लार्जेस्ट एक्सचेंज था उसमें प्रॉब्लम आई तो आप देख रहे हो इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो जब आप देख रहे हो इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट आपकी क्लियरली डायरेक्शन नहीं दे रही है तो आपको क्यों घुसना है इसमें नाई डू यू वॉन्ट टू इवन ट्राई दिस तो ये बेसिकली है तो मेरा तो मतलब दिस इज माय स्टैंड कि इसको नहीं ट्रेड करना चाहिए सिर्फ इंडियन्स के लिए है या फिर कोई भी कंट्रीज है दुबई में, में आप कर सकते हो दुबई में तो फॉरेन एक्सचेंज भी कर सकते हो okay, ओके okay. वो तो कंप्लीटली अलाउ करते हैं वो तो लिबरल है इस मामले में ठीक है देखिए वो लिबरल उनके काफी है इंडिया में हवाला ये वो बहुत सारी चीजें होती है विच आर नॉट इन फेवर वहां टैक्सेशन नहीं है तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हर चीज को सस्पिशन से देखती है कि यार ये किस लिए यूज होगा अब बिटकॉइन है किसी को पता ही नहीं किसने भेजा किसने खरीदा तो ये तो बहुत तो मस्त टूल है तो इसलिए सरकार उन चीजों को टैक्स कर देती है इमीजिएटली टैक्स कर देती है तो ये गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस होता है हाँ. और जो टेनेक्स कई बार लोग हाँ, तो बात कहता हूँ कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है तो अगर आपको कोई ऐसी बात आके बता रहा है विच इज टू गुड टू बी ट्रू भाई आपको जंगल में हो आपको एक बहुत सुंदर लड़की दिख गई वेरी लेस चांस था कि जंगल में एक सुंदर लड़की खड़ी होगी तो दैट मीन किसी चुड़ैल ने अपना रूप बदला होगा आपको वो खाने वाली है तो कोई आपको, आपको आके कुछ चिपका के जा रहा है कि भाई आपको दस परसेंट या टू टाइम्स या थ्री टाइम्स या फाइव टाइम्स कर दूंगा इज इट अ नॉर्मल रिटर्न टूडे एफ गिविंग यू फंडीन परसेंट हाँ कोई एक साल हो सकता है जब ऐसा कुछ हो जाए बट दैट विल हैपन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट मार्केट आते हैं ऐसे समय आते हैं जब आप से अच्छा रिटर्न्स कमा लेते हो। भाई 2020 के क्रैश में जो रुका, उसने 2021 का उठाया, का फायदा भी भी उठाया, पर ही शुड रेडी तो तो खरगोश की रेस है और इसमें कछुआ जीतेगा हमेशा जीतेगा तो ये है तो आप अनरियलिस्टिक रिटर्न्स लोग आके जाते हैं मतलब ये सारे किस्से रहते तो हैं मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं अब कुछ लोग आएंगे आपको बोलेंगे टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि आप हाँ मुझे पैसा दीजिए पचास हजार दीजिए मैं आपको दिन का पांच हजार कमा के दूंगा ऐसे काफी मैसेजेस आते हैं ठीक है दैट ही ईज कि मैं आपको दिन का दस परसेंट के दूंगा राइट right. तो अब एक केस स्टडी लेते हैं कि आपने एक रुपया डाला और वो एक रुपया टेन परसेंट डेली कंपाउंड हो रहा है ठीक है आपने एक रुपया डाला वो एक रुपया दस पैसा हो गया अब आपने अगले दिन एक रुपया दस पैसा डाला तो अब उसको एक रुपया इक्कीस पैसा हो गया कंपाउंडिंग लग गई उस पर ठीक है साल में ढाई सौ ट्रेडिंग डेज होते हैं टू ओके दो सौ पचास दिन मार्केट ओपन होती है इंडियन स्टॉक मार्केट अगर आपने पहले दिन एक रुपया डाला है

बेसुद होकर या फिर अनकॉन्शियस हो के डिसंस ले रहे हो तो फिर आपका पैसा तो जाएगा ना फिर आ, उसमें उसमें सरकार की या अंबानी की या अडानी की या किसी की भी क्या गलती है किसी टीचर की कोच की क्या गलती है तो ये बायर बी वेर है बायर को बी वेयर होना पड़ेगा जिसका पैसा लग रहा है उसको सवाल पूछने पड़ेंगे तो so मेन ये चीज़ है कि अपने इमोशंस को आप कितना स्पेशली जो एक ग्रीड है कई बार सब कुछ बताने के बावजूद भी हमारे अंदर का जो ग्रीड फैक्टर है वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अभी आई थिंक uh, किसी तो भी सेलिब्रिटी के लिए नाम तो यहाँ ले सकते हम बट uh, ऐसा कुछ चल रहा था कि उसने बहुत सारे लोगों का पैसा लिया बिटकॉइंस में डाला और दैट वॉज मैन्युपुलेशन ऐसा कुछ और खत्म हो गया पैसा तो पॉइंट पॉइंट यही है ना कि होना यही है अच्छा बिटकॉइन सब बोल रहे हैं पीछे जब हुए तो बिटकॉइन हैड लेवल ऑफ आई थिंक व्हाट सिक्सटीन सेवनटीन थाउजेंड डॉलर

तेल का कुआं है एक रिफाइनरी है <laughs> एक शॉप है बहुत सारी जियो है सत्तर पचास करोड़ यूजर्स है उसके तो मुझे पता है रेवेन्यू का अच्छा बिजनेस है हाँ अब आगे वो ग्रो करेगा कितना करेगा दैट इज दी ओनली क्वेश्चन ठीक है तो मैं जानता हूँ मेरा पैसा एक सही जगह लग रहा है अब मेरा पैसा एक ब्लैक बॉक्स में लग रहा है जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है तो मैं तो बहुत अनसेफ फील करूंगा उसमें और बच्चे आजकल इसको ऐसे खेल रहे हैं मतलब दे आर न्यूक्लियर वेपन्स लिटरली वेपन लिटरीली न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को

उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ उसके पास बहुत सारे यूजर्स हैं खाने वाले भी बहुत हैं खिलाने वाले भी बहुत हैं और खाना पहुंचाने वाले भी बहुत हैं तो जब ये इको पूरा चर्न करता है पूरा चर्न करता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट होती है उबर right. भी सेम है चलाने वाले भी बहुत हैं और चढ़ने वाले भी बहुत हैं ऊपर उबर में तो उबर ऐसा सिस्टम चर्न करता है जब इतना सारा ट्रांजैक्शन होता है देखिए जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी uh, है बिटकॉइन की उसे ब्लॉकचेन चेन का आता है ब्लॉकचेन इज द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज ब्लॉकचेन एक इंसान को भगवान बनने से बचाता है भगवान कौन है भगवान वो है जो पास्ट बदल सकता है हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड्स में पास्ट ही बदल दिया जाता है आपको पता है रिटर्न होते थे हैंड रिटर्न right, होते right, है। right, तो right. क्या होगा कि भाई किसी को आपने ऊपर नीचे कर दिया तो उसने संजय कथुरिया की जगह राकेश का कर दिया या सुरेश का कर दिया हल्का सा रब करके अब लड़ते रहो आप कोर्ट में पटवारी के साथ

तो पॉलीगॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसके ऊपर बहुत सारी एप्स बनी हुई है ठीक है इन्हें एप्स कहा था डिस एप्स में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में पॉलीगॉन का यूज होता है। okay. तो उस वजह से पॉलीगॉन के कॉइन की वैल्यू आती है क्योंकि उसमें रोज रोजमर्रा का यूजेज आ रहा है पर कोई आता शिबू इनू ये क्या चीज है भाई किस चीज के लिए यूज हो रही है क्या हो रहा है जैसे मीम कॉइन कहते हैं आजकल फिर कि एक स्क्विड गेम्स आया तो स्क्विड गेम्स का कॉइन बन गया एक दिन में जीरो टू टेन थाउजेंड डॉलर गया एक दिन में <laughs> और अगले दिन टेन थाउजेंड नीरो आ गया अब आपने सोचो पैसा डाला होता उसमें कुछ भी डाला होता मैंने कहता तो हूं लाख रुपए डाला होता दो लाख डाला होता दस हजार रुपये डाला होता तो वो तो जीरो होना ही है ना क्योंकि आप सोचोगे अरे तो सोचोग दस हजार ही पहुंचा अभी कल को तो ये एक लाख पहुंचेगा देख अगले दिन वो जीरो हो गया थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल ये ब्लैक बॉक्स है आप इस सिस्टम को जानते नहीं हो रिलायंस एक दिन में दस हजार नहीं होगा और एक दिन में जीरो नहीं होगा क्योंकि एक अंडरलाइन कंपनी चल रही है लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं तेल बिक रहा है दुकानों में सामान बिक रहा है जियो पे लोग बात कर रहे हैं डेटा कंज्यूम कर रहे हैं पे कर रहे हैं जियो को तो इतना बड़ा इकोसिस्टम ऐसे धम करके नहीं गिरेगा सो दैट इज वेयर दॉलेटाइल फैक्ट्री इसलिए वो वॉलेटाइल है सो so अगर कोई डेट के पैटर्न में आ गया है और uh, नहीं तो एक डेट पैटर्न से बाहर आने के लिए एक व्यक्ति क्या systematic planning कर सकता है बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है यह तो अगर डेट ऑलरेडी चढ़ चुका है मतलब गलती हो गई दो चीजें या तो मेरे को डेट लेना है या डेट हो चुका है तो मैं स्टार्ट करता हूँ डेट हो चुका है तो डेट हो चुका है तो आप डेट को सिर्फ तीन चीजों से क्लूज कर सकते हो ठीक है पहली चीज अपनी इनकम बढ़ा के तो इमीजिएटली अपनी इनकम पे फोकस करना स्टार्ट कर लो देखिए करने से कोई प्रॉब्लम बचे कुछ काम नहीं होने वाला ठीक <laughs> <थेक> है <laughs> आप फंस गए कांड जिस वजह से आपने उधार लिया है या कांड होगा या हो सकता है फैमिली बर्डन होगा कुछ भी हो सकता है ठीक है पर अब तो आपके ऊपर आ चुका है तो अब आप ही को एक्शन लेना पहला एक्शन एक्टिव इनकम बढ़ाओ कुछ भी करके ठीक है हासिल करो डबल मेहनत करो अगर दस घंटे काम, कर तो काम करो तो सोलह घंटे काम करो अठारह घंटे काम करो अपनी इनकम बढ़ो पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू अपने खर्चों को रूथलेसली मर्सी खत्म कर दो बस कट कर सकते हो कट कर, कर।, कर सकते हो स्विगी में अगर दस बार खाते हो तो दो बार खाओ ठीक है अगर बीस सब्सक्रिप्शन पड़ी हुई है तो एक पे ले आओ जो भी कट कर सकते हो सब रूथलेसली मर्सी कट करो कॉस्ट एक एक रुपया अब आपको फायदा देने वाला इस टाइम पे क्योंकि वो उधर जाएगा लोन रिपे करने जाएगा और तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी ऐसा असेट आपके पास पड़ा है जो आपके आज काम नहीं आ रहा तो हम इसको कहते हैं लिव टू डे टू फाइट टू मारो चाहे कोई गोल्ड का असेट है चाहे कोई जमीन पड़ी हुई है कोई दुकान पड़ी हुई है कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं घर पर जो आप बहुत साल से यूज नहीं कर रहे हो जिनका कोई योगदान नहीं है मैं कहता हूं कोई खटारा गाड़ी पड़ी हुई है कोई फर्नीचर का पीस पड़ा हुआ है बेच के हजार रुपए आ जाते हैं दो हजार रुपए आ जाते हैं तीन हजार रुपए आ जाते हैं बेच लो इमीजिएटली अपने एसेट्स को खाली करो जो नहीं चाहिए क्योंकि यहां भी हमारे गुरु जी बोलते हैं इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट थिंग वेरी सून यूव टू थिंग्स सेल थिंग्स यू तो आप उस सिचुएशन में आ चुके हो कि नाउ यू यूव टू सेल थिंग्स यू वॉन्ट मतलब कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहे रखनी पड़े पर फिर भी बेचनी पड़ेगी क्योंकि आपको उधार चुकाना है तो यही तीन तरीके हैं जिससे आप उधार कोई भी चीज से इमोशनली अटैच मत हो इस टाइम इंडिया में ये बहुत होता है लोग अपनी प्लॉट से ज्वेलरी से सबसे इतना इमोशनली अटैच होते हैं कि

तो मैंने डीप डाइव किया क्वेश्चंस पूछे मैंने बोला कोई जमीन कोई कुछ कुछ बोलते मेरे पास मेरा घर है वो है नौ करोड़ रुपए का <laughs> तो मैंने बोला वो घर बेचो और ये साढ़े छ करोड़ का लोन चुका दो अभी के लिए थोड़ा हल्के घर में चले जाओ बिजनेस बनाओ बाद में वापस ले लेना सर ये समझाना छह महीने लग गए मेरे को जब छह महीने में पानी यहां आ गया कि बैंकों के बहुत गंदे वाले फोन आने लग गए और ये होने लग गया तब जाके उन्होंने डिसीजन लिया तब तक पचास लाख का और अक्यूमलेट हो गया तो लोग डिसीजन फटीक जो रखते हैं ना आप फंस गए ना बॉस तो उसके बाद आपको रूथलेस होना पड़ता है आपको अपनी जान बचानी है तो उस टाइम पे आप अपने एसेट की जान नहीं बचा सकते आप अपने जमीन की जान बचा लोगे नहीं नहीं यार ये तो जमीन मेरे पिताजी नहीं देती इसी काम के लिए दी थी कि <laughs> बेटा <फसे> <laughs> तो फंसेगा ना तो, तो उसने तेरे का आएगी तो निकालो इसको फटाफट निकालो तो असेट मोनेटाइजेशन इंडिया में लोग नहीं करते जिंदगी भर लोन में फंसे रहेंगे पर अपने असेट को मोनेटाइज नहीं करेंगे

वो एक टोपी बदली दूसरी डाल दी दूसरी टोपी बदली तीसरी डाल दी वो वो उसमें आप देखिए आपको लाइफ जीनी है यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम सत्तर साल पैंसठ साल अस्सी साल जो भी होगा आपका उसमें अगर आप पांच दस साल इस स्ट्रेस में निकालोगे कि मैं उधार कैसे चुकाऊँगा उधार आई डोंट थिंक सो इट इज वायबल टू फॉर अंक लाइक जो एक और कई लोग जो स्पेंडर होते हैं जिन जिनको थोड़ा इन्वेस्टिंग में नहीं होता वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस कब लेंगे लाइफ इज अबाउट एक्सपीरियंस जिंदगी चार दिन की है सब इन्वेस्ट कर देंगे तो इस माइंडसेट को कैसे इसको डील किया जा सकता है जिन लोगों में ये माइंडसेट है तो इसके लिए आजकल एक टर्म आया योलो यू ओनली लिव वंस तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टर्म को बहुत आराम से जिया जा सकता है मैं ये कहता हूँ कि आप आज अच्छा जी सकते हो और कल उससे ज्यादा अच्छा जी सकते लोग मेरे से पूछते सर सब कुछ ऐसा ही पे में डालते हैं ना सब कुछ ऐसा ही पे में नहीं डालते दैट इज़ नॉट वट आई एम सेंग आई एम नॉट हियर कि कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टूडे कंप्लीटली कुछ भी मत करो तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले बजटिंग करना सीखो सर मेरे पास लोग आते हैं वो बोलेंगे कि आ, मुझे जो है ट्रैवल करने का बहुत शौक है मुझे जाना है मेरी पच्चीस हज़ार सैलरी है सर मैं कहाँ से जा सकता तो गरीब हूँ पच्चीस हज़ार ही सैलरी है मेरी उसमें से बीस हज़ार तो खर्चे हो जाते हैं मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ये बीस हज़ार खर्चे कहाँ हो रहे हैं सर मेरे को उतना बता दो किसी के पास उसका जवाब नहीं है फिर कुछ बच्चों से मैंने बनवाया इसका जवाब जी ठीक है अब आंसर सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे एक बंदा दिन में दस सिगरेट फूक रहा है पंद्रह रुपए की एक आती है तो साढ़े चार हजार रुपए तो उसके सिगरेट में जा रहे हैं चौवन हजार रुपए साल के सिगरेट में चले गए चौवन हजार में क्या वो दुबई का ट्रिप मार के नहीं आ सकता <laughs> मार सकता है पर अगर कॉन्शियस रहेगा वो डिसीजन लेगा कि मेरे को अब सिगरेट बंद करनी है क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है घूमना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ के एक्सपीरियंसिस लेना तो ठीक है मैं कहता हूं चल तू आज पूरी नहीं बंद कर पा रहा तो तू तो दस सिगरेट मत पी तू पांच पे आ जा चौवन की जगह सत्ताईस तो बचेगा ठीक है दूसरी चीज आजकल जो लोगों को पता ही नहीं चलता उनके पैसे कट रहे हैं वो है आपकी सारी सब्सक्रिप्शन दस तरह की सब्सक्रिप्शन पंद्रह सौ रुपये महीना उधर कट जाता है नेटफ्लिक्स एमेजॉन ये वो जी फी सोनी फोनी सब सब कर लिया लोगों ने क्यों क्योंकि मैच देख रहा था उस महीने का करो ना फिर वर्ल्ड कप देखना तो तब उसने डिजनी हॉट स्टार कर लो फिर अगले मत करो डिजनी हॉट स्टार भी आपको ये विकल्प देता है तो यहां पे लोग अठारह हजार रुपए नहीं बचा पाए ठीक है तीसरी चीज है बेसुद होकर स्विगी और जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं घर पे बैठे सर क्या हो रहे बोर हो रहे थे सर अच्छा फिर क्या किया एक मैंने वो मंगा ली क्या कहते हैं आइसक्रीम मंगा ली क्यों बोर हो रहा था तो भाई तेरे तो लग गए ना साढ़े तीन सौ रुपए साढ़े तीन सौ रुपए वो करके अगर तूने दस बार भी मंगा लिया तो साढ़े तीन हजार रुपए खोटे कर लिए साढ़े तीन इंटू कर ले बारह तो एक ही बच्चे को जो रो रहा था मैंने उसकी बैलेंस, उसी की में से लाख निकाल योर विजन नीड्स टू बी द सेम आपका विजन है घूमना आपका बजट नहीं बता रहा मेरे को आपका विजन घूमना है wow. आप कहां खर्च करते हो, वो विजन से अलाइन ही होना चाहिए ना ब्यूटीफुल आपसे समझो सर आपने कहा कि भाई मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं जी। हर फॉर्म में एजुकेट करना चाहता हूँ तो तो कर so so उसी टाइम तब भी आप जिंदगी के चाहे आप पंद्रह हजार रुपए महीना कमाते हो आप फिर भी उस आदमी से ज्यादा लुफ्त उठा सकते हो जीवन का जो दो लाख रुपए महीना कमा सकता है क्योंकि आपको पता है आपका पैसा जा है फिर आप अनिजनेबल भी नहीं होते अपने पैसे के साथ भाई ठीक है मैं साल भर में इतना पैसा बचाऊंगा कि मैं ऋषिकेश का एक ट्रिप मार के आता हूँ मेरी तीस हज़ार तनखा तो मैं साल भर में इतना पैसा बचा लूँगा कि मैं दुबई का ट्रिप मानूँगा मेरी तनखा सत्तर हज़ार है तो मैं साल भर में इतना पैसा बचा बचाऊंगा कि मैं साउथ ईस्ट एशिया का एक ट्रिप मानूंगा तो इसमें कोई रूल है संजय जी कि इतना परसेंट कुछ कोई स्टैंडर्ड है कि इतना परसेंट में आप एस में लगाएँ या इतना परसेंट इनकम का इन्वेस्ट होना चाहिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड है जिसमें जिसको फॉलो कर सकते हैं हैं लोग आप जितना या, जब यंग तो राउंड अबाउट ट्वेंटी हो तो पच्चीस क्रिएट करके देगा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, कि आप एक आप ये आपकी की है तो आप समझो समझोगे आपकी साढ़े बाईस की तनख्वाह है, तो है। गाड़ी यहां से चालू होगी साढ़े बाईस से चालू होगी हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां पे घर का कोई ऐसा बोझ है जो आपके एक लाइबिलिटी लिमिट पर आता है तो हाँ ठीक है एस ट्वेंटी फाइव ऑफ फिफ्टीन करो पर अगर आप एक रीजनेबली ओके स्टेटस में हो तो शुरू में आप पच्चीस आपका डेफिनेटली इन्वेस्ट करो अगर आपका समय सीमा ज्यादा आज आप बीस साल के और आप चालीस साल पैंतालीस साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो तो थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन स्मॉल एंड मिड कैप में डालो क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप के ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बट शुरू में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने गलत टाइमिंग में घुस गए आपको तो पता नहीं था मार्केट थोड़ा क्रैश कर गई तो कभी कभी इंपैक्ट भी आ जाता है जैसे मैंने स्मॉल एंड मीडियम कैप में में फंड में डाला था पैसा 2016 सितंबर में 2020 प्री कोविड वो जीरो था मतलब देर वॉज नो रिटर्न चार साल में साढ़े तीन साल में ओके जीरो रिटर्न एक रुपए का रिटर्न नहीं था एवरेजिंग हो रही थी फिर जैसे कोविड आया तो पच्चीस गिर गया आज वो दो ऊपर है अच्छा। क्योंकि मैंने SIP रोकी नहीं वोटिन्यसेंटमेंट वो का बीस तो तो साल खेलना पड़ता है बीस साल में वो आपको धोखा नहीं देंगे तो जितना आपका होराइजन लंबा है आपका गोल जितना लंबा है आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो या आप अपने कोई कॉर्पस uh, के लिए कर रहे हो कुछ काम के लिए कर रहे हो तो आप ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हो

पाँच हज़ार रुपये तो छः हजार रुपए तो सात हज़ार रुपये तक तो आप अगर ई एम आई करते हो तो आप स्ट्रेस में नहीं होंगे तो जैसे कई लोग घर ले लेते हैं सपोज जैसे इन्वेस्ट तो नहीं किया उसने और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को रहता है कि सपोज मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ और बीस हजार रुपये का रेंट दे रहा हूँ और वही मैं सोचता हूँ कि इससे तो बेटर है कि मैं खुद का घर ले लूँ और उसके ऊपर तीस पैंतीस हजार की मैं ईएमआई देना चालू कर देता हूँ सो ये कहाँ तक एक लॉजिकल आईड है डिसीजन कि नहीं है खुद का घर लेना जिसकी वजह से अब आप पंद्रह डायनामिक कुछ आ नहीं रहा है आपके पास में तो मोस्टली तो मिडिल क्लास का कमर वही टूट जाता है जब वो अपना घर बनाता है तो सारी सेविंग वेविंग सब कुछ लगा के अब पंद्रह बीस साल के लिए लॉक हो जाता है वो कि अब मेजर चंक जो है वही जाना है उसका राइट राइट तो ये किस हद तक सही डिसीजन है मैं जस्ट टू एड ऑन दिस आई थिंक निखिल कामत कुछ समय पहले एक वीडियो में कह रहे थे कि खुद का घर नहीं लेना चाहिए या ऐसा कुछ तो भी ही तो इस पे अगर इफ यू कैन गिव सम देखिए मैं खुद रेंट पे रहता हूँ वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं <laughs> 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 मैं अभी भी, मैं अभी भी भी रेंट पे रहता हूँ और आ, आपका मैं इक्वेशन जो आपने बताया मैं आपको उस, उसको थोड़ा और डिटेल करता हूँ आपने बोला की घर है बीस हजार रुपए का रेंट है तो यानी साल का दो, दो लाख चालीस हजार रुपए का रेंट है साल का तो मोटा मोटी ये घर मेरे हिसाब से अस्सी लाख से लेके एक करोड़ के बीच में होगा अगर आज इसको हम खरीदने जाएंगे तो तो करोड़ रुपए का घर हम पकड़ते हैं अब मैंने करोड़ रुपए का घर खरीदा है तो करोड़ रुपए पर सबसे पहले बारह लाख रुपए तो मुझे सरकार को देने है सात लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी है पांच लाख रुपए का जीएसटी देना है अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जीएसटी देना नहीं आएंगे तो एटलीस्ट स्टैंप ड्यूटी तो देनी देनी है वो तो देनी है ठीक है तो अगर मैंने अं� छह सात लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी दे दी और उस घर का भाड़ा ढाई लाख रुपए था दो लाख चालीस हजार था तो मेरे तो ढाई तीन साल तो सिर्फ स्टैंप ड्यूटी रिकवर करने को चले जाएंगे ठीक है पहला फटका यहां पड़ गया मुझे सेकंड एक करोड़ का घर लेता हूं तो मेरी ई पड़ेगी चौरासी पचासी हजार रुपए क्यों पड़ेगी वैसे साठ हजार पड़ेगी पर मेरे पैसे की भी तो कीमत है भाई अगर मैं मेरा जो बीस तीस लाख रुपए लगने वाला है पहले तो मेरे पास बीस तीस लाख होना चाहिए डीपे तो करने, करने, के लिए पहले आपके पास बीस तीस लाख रुपए होना चाहिए यानी आपको अपने माता पिता से ही लेना पड़ेगा उनको अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ेगी तो उनका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा वहां पर तो हर पैसे की है भाई। नो फ्री लंचेस इन 20 का डाला तो 80 परसेंट पे आपका ब्याज जाता है पर आप यह मानो कि आपका भी पैसा उधार पे है तो एक करोड़ पे आपका ईएमआई पड़ेगा पिचासी हजार रुपया पिचियासी और रेंट कितना है बीस हजार रुपया तो बचा पैसठ हजार रुपया अगर इस पैंसठ हजार की कर दू बारह परसेंट के हिसाब से बीस साल के लिए बीस साल का लोन है बीस साल के लिए पैसठ हजार की एस आई पी कर दूं तो बीस साल बाद ये पैसठ हजार रुपए छह करोड़ पचास लाख होंगे बारह <laughs> परसेंट सिर्फ बारह परसेंट सिर्फ बारह परसेंट पैसठ हजार छह लाख सा, छह करोड़, करोड़, करोड़ पचास, पचास लाख हो जाएंगे यस और उसके बाद आप उस पैसे में से महीने का साढ़े छह लाख रुपए निकाल सकते हो जिंदगी भर क्योंकि बचा हुआ पैसा फिर भी कंपाउंड कर रहा होगा

उसी तरफ अगर तेरी एस आई पी में से हो गई आपकी एस आई पी में सो गई तो यू विल नॉट बी पीनलाइज बिकॉज एस आई पी इज नॉट अ लाइब्रेटी ई एम आई इज अ लाइब्रेटी मैं ई एम आई को कुत्ते का पट्टा बोलता <laughs> अब कुत्ते का पट्टा तो भाग नहीं सकता ना वो <laughs> तो आप भाग ही नहीं सकते इतना ही भाग सकते हो तीन महीने तक <laughs> उसके बाद आप पकड़ जाओ <laughs> तो इसलिए आप एक यंग बच्चे हो बीस इक्कीस साल के हो क्यों कुत्ते का पट्टा पहनना चाहते हो इंजॉय करो आप वही पचासी हजार के घर को बीस हजार में रख पैसठ हजार रुपए की एस कर दो आप साढ़े छ करोड़ के मालिक हो जाओगे मालिक अच्छा घर है घर तो बिकता नहीं आसानी से कभी लिक्विड हो जाता है ये साढ़े छह करोड़ जब आपके पोर्टफोलियो में होंगे बीस साल बाद तो आप राजा हो किंग चालीस साल की उम्र में साढ़े करोड़ रुपए रखे आपके पास तो आपका एक व्यवहार अलग हो जाता है आपका तरीका अलग हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है जो कई लोग कहते हैं कि उस घर की वैल्यू बढ़ती है तो किचन अच्छा, बेच सकते हो, आप बेच सकते हो, आप बेच सकते हो कि आपको पैसे तो साढ़े छह करोड़ में से पैंसठ सौ रुपए चाहिए मेरे को आज की कमी होगी तो आप पैसठ बटन दबाओ अगले दिन आपके घर पे पैंसठ आउट ऑफ साढ़े करोड़ अब मेरे घर है वो तो पैसठ रुपए देगा नहीं ना मेरे को उसके लिए मुझे उधार लेना पड़ेगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फिर तो से इंटरेस्ट जाए फिर से इंटरेस्ट दो इंटरेस्ट इंटरेस्ट दो अच्छा मजेदार बात बताता हूँ बीस साल में आप जितना पैसा बोरो करते हो बैंक से उसका डबल वापस करते हो है तो करोड़ का लोन लिया दो घर की वैल्यू भी नहीं बढ़ने वाली देखिए मैं यूज नहीं कर सकते कुछ नहीं है तीसरी चीज आप बंद गए आप आज अहमदाबाद रहते हो आपको लगता है यार मेरे को बड़ी अपॉर्चुनिटी दिल्ली मिल रही है तो आप फंस गए कर। तो आप फंस गए अब आपको बेचना पड़ेगा डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा तो और वो जो डूब गया और तय हाँ। तो 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 को, को कर लिया कि भैया मैं अहमदाबाद में ही अपना जीवन काटूंगा ठीक है मेरा एक सर्कल बन चुका है सब कुछ हो चुका है मेरे को नहीं जाना कहीं और मेरा जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है कुछ नहीं है मेरा पापा ने

नॉन ट्रांसपेरेंट इन लिक्विड मार्केट है ये मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जो थोड़ा उस सर्कल में है जहां पर रियल एस्टेट की बात करें की बात कर रहा हूं पैंतीस हजार तुम्हारी है हजार तनखा है लाख रुपए भी तनखा है पर तुम ये सब चीजें नहीं मैनेज कर सकते इसलिए इसको छोड़ दो प्यार से एसआईपी में इन्वेस्ट करो घर अभी मत मतलब लाइबिलिटी लो अपने सर पर और धीरे धीरे पहले अपने आपको ग्रो करो सबसे ज्यादा निवेश इस टाइम पे यहां लगाओ यहां क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी सर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है हमें ना ये सिखाया गया बेटा जिस दिन तेरी इंजीनियरिंग खत्म होगी एमबीए खत्म होगी तेरी पढ़ाई खत्म हो गई हमें किसी ने यह नहीं बोला कि उस दिन से तुम्हारी पढ़ाई चालू होगी जिंदगी की तो उसी दिन चालू होगी हो तो हमारे ना सबकी मानसिकता होगी कि मैंने एम में पैसे दे दिए इंजीनियरिंग में पैसे दे दिए अब मेरे को कहीं और नया चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है तो आपको आप जैसे ही मार्केट में आते हो मेरा ये फ्रेमवर्क है कि आप अपनी इनकम का पांच परसेंट यहाँ लगाओ चाहे कोर्स करो चाहे कोई कॉन्फ्रेंस में जाओ नेटवर्किंग करो आप अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ ये सब चीजों पे मत फोकस करो अपनी आज पचास हजार है तो तीन साल के अंदर इसको तोला करो वो आपके हाथ में है ये सब आपके हाथ में नहीं है ये मार्केट के हाथ में राइट वो तो पेशेंस के साथ ही वो पेशेंस उधर ध्यान मत दो ज्यादा उधर अपना छोटा सा काम करके छोड़ दो इसका आपने बता दिया तो अगर कोई इंसान सपोज गाड़ी लेना चाहता है तो उसके लिए क्या परसेंटेज दिमाग में रखनी चाहिए कई लोग कहते हैं कि साल भर का जितना इनकम है आपको गाड़ी तब लेनी चाहिए जब आपकी कंजम्पन हजार किलोमीटर से ज्यादा महीने की अच्छा अगर आपकी हजार किलोमीटर से ज्यादा नहीं है कंजन आपके लिए कोई भी गाड़ी वाइबल नहीं हटे कैसे मैं आपको मैथ देता हूँ एक होंडा सिटी है कितने की आती है तो वो मोटा मोटी दो हजार रुपए पर लाख होती है Again, मैं ये कि डाउन पेमेंट भी है जितने का मैं लोन ले रहा हूं तो मैं पूरे पैसे को डाउन मानूंगा कि मैंने लोन पे लिया है तो तेरह लाख रुपए अगर मैं लेता हूं या तेरह चौदह जो भी लेता हूं तो मोटा मोटी पच्चीस तीस हजार के रेंज में मेरा ई आएगा पंद्रह बीस हजार की इंश्योरेंस आएगी पैतालीस हो रुके और उसके बाद मेंटेनेंस आप पाँच हजार रुपये लोएस्ट पकड़ लो तो मतलब बहुत कम पकड़ लो ठीक है टायर चेंज होते हैं सब कुछ होता है एक्सीडेंट कुछ हो गया तो वो सब गिन ही नहीं रहा तो आपका करीबन पच्चीस तीस की ईम होगी पंद्रह एक की इंश्योरेंस होगी चालीस और दस हज़ार का आप लेना पचास हजार का, का बेसिक खर्चा है ये गाड़ी घर पर खड़ी है पचास हजार की पड़ रही है अब पचास हज़ार डिवाइड बाई हज़ार किलोमीटर पचास रुपये किलोमीटर उबर ओला आपको करीबन इक्कीस बाईस रुपये किलोमीटर अच्छा सिंपल हो गया तो अगर आपका कंजम्पशन हजार किलोमीटर का नहीं है तो मेरे हिसाब से आपके लिए गाड़ी नहीं बनी सेकंड चीज आपके लिए गाड़ी तब बनी है जब आपकी इनकम बहुत सिग्निफिकेंट हो जाए तो आप, फिर तो, हाँ, फिर से आप आप, आप फिर से कर रहे हो उस चीज को बजट कर सकते हो कि ठीक है यार ये मेरे लिए पैसा है पच्चीस हजार की तनखा पे और बोलो यार मैं आज एक समझो क्विडी लेता हूं छह लाख रुपए की क्विड ले लेता हूँ तो बारह हजार की तो आपकी किस्त बन जाएगी यार फिफ्टी परसेंट तो सीधा किस्त में चला गया आपके तो पहला रूल ये नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूं पहला रूल है मेरा कंजम्पन कितना है खरीद किस परपज के ले रहा हूं आपका पता चला ऑफिस से दो किलोमीटर दूर घर से चार किलोमीटर दूर घर से तो चार दुनिया आठ आठ बीस दिन जाते हो एक किलोमीटर एक आधी बार फैमिली के साथ बाहर निकल गए सौ किलोमीटर मार गए तो ढाई सौ किलोमीटर ढाई सौ किलोमीटर तो, तो, तो हाईली बैबल है दो सौ दो सौ रुपये पर किलोमीटर की पड़ जाएगी आपको होंडा सिटी और अभी मैंने ड्राइवर नहीं गिना मैंने फ्यूल नहीं गिना ये सब अलग है मैं तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो लोग ना मैथ नहीं कर रहे हैं ठीक से अगर वो मैथ करने लग जाए ना उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटर हो जाएंगे फिर वो स्ट्रगल नहीं करेंगे ज़्यादातर लोग तो आई थिंक मैथ तो दूर की बात है स्टेटस ड्रिवन ही बहुत चलते हैं इंडिया में कि अगर पड़ोसी भी आ गई है और या फिर घर में ये दिखाना है कि मैं कितना अमीर हूँ वो स्टेटस जो है वो हमसे शादियों में भी एक्स्ट्रा खर्चे करवाता है वो कई बार बड़े बड़े फ़ोन रखवाता है तो वट इज़ योर टेक ऑन दैट कि जो स्टेटस ड्रिवन परचेजिंग है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा चलती है कई बार तो इवन Uh, आप दिवाली पे पटाखे भी फोड़ते हो तो कई बार ये देखते हो कि पड़ोसी की कितनी देर फूट रहे हो उस हिसाब से कंपटीशन रहता था बचपन में लोग कंपटीशन करते थे कि इसके घर में इतना फूट रहा है उसके इतने मतलब पटाखे की लड़ी में भी कंपटीशन चलता था इसके एक हजार की लड़ी है हमारी आ, दस हजार की होगी ऐसा लोग करते हुए हम true, देखते थे सो हाउ टू डील विद दैट देखिए ये आपने बहुत अजीब है आपकी इस बात से बचपन की बात याद आ गई कि मैं सोसाइटी जी कॉलोनी में रहते थे तो हमारे वहाँ एक फैमिली थी तो हमें पता होता था कि सब लोग जब पटाखा फोड़ेंगे तो उनकी वो दस हजार की लड़ी चलेगी तो सोनू भैया करके होते थे हमारे तो हम सब पटाखे फोड़ दिए अपने सुतली बॉम्ब फोड़ दिया वो लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ दिया ये फोड़ दिया वो फोड़ दिया लास्ट में सोनू भैया आएंगे वो रील गुम, पूरी घुमाएंगे दस हजार की दाड़ दार दार और फिर दैट विल बी द क्लोजिंग ऑफ इट मतलब ही वॉज नोन फॉर दैट देखिए इन्वेस्टमेंट्स में लाइफ में फियर ऑफ मिसिंग आउट ना होना इन्वेस्टमेंट्स में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनता है सर जब आप मर्सिडीज में जाते हो बॉरुड मर्सिडीज है किसी को तो पता नहीं वो पीछे क्या चल रहा है जो बंदा आपको देख रहा होता है वो आपको नहीं मर्सिडीज को देख रहा होता है उसको क्या पता अंदर कौन बैठा है उसको तो कुछ नहीं पता अंदर कौन बैठा चलो हो सकता है आपके केस में पता हो तो बिकॉज आप एक पब्लिक फिगर है कि जनरल आदमी की बात करो ये मैं देखता हूं यंग प्रोफेशनल तीन तीन लाख की तनखा चार चार लाख की तनखा में बी उठा रहे हैं एक्स उठा रहे हैं कि चल यार एंट्री लेवल बी एमडब्लू उठा देते साठ लाख की है और साठ लाख पे अपने को सवा लाख की ईम आएगी तो मैं तीन लाख कमा रहा हूँ चालीस चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है अंदर तू बैठा है तेरे को तो मतलब कोई देख रहा थोड़ी नॉट इज वॉचिंग फाइट आप जीत ही नहीं सकते तो पहली चीज तो ये हो गई सेकेंड चीज ये हो गई कि जब आप फोमो करते हो तो वो वॉर अगेन हमारे गुरु की एक लाइन है कि टू शो पीपल दैट यू हैव मनी इज द फास्टेस्ट वे ऑफ लूजिंग मनी

<laughs> तो ये क्या है कि आप है ना अमेरिका का सिस्टम इंडिया में कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं कर सकते मतलब एकदम प्योर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते वहां सिस्टम्स अलग हैं कंजम्पन अच्छा उधर क्या लोगों को पता है कि अपन रंग कुए ना तो सरकार अपना ध्यान रख लेगी दर इज ए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम यहां नहीं है यू आर ऑन योर ओन इवन आफ्टर पेइंग टैक्सेस तो आपको यह सब ध्यान रखना पड़ेगा आपकी डोरी आपके हाथ में इस मामले में कि आपको टे, टेक केयर करना है कि ये फोमो को किस्से में निपटना हाँ अगर आपकी इनकम बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो गई है सात लाख महीना आठ लाख महीना और आप एक लाख की गाड़ी का ये तो फिर भी समझ आता है चलो अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बजटिंग क्या बजटिंग कैसे कर रहे हो बजटिंग आपका आधार बनता है बजटिंग आपके जीपीएस का करंट लोकेशन है जैसे जीपीएस का करंट लोकेशन मांगता है ना वैसे बजटिंग आपका करंट लोकेशन बताता है आप फिर आप डिसीजन लेते हो कि मेरे को किस तरफ जाना है वट इज माई डेस्टिनेशन ट डनेशन इसके कोई रूल्स हैं बजटिंग कोई कैसे सीख सकता है या फिर हर एक व्यक्ति का कोई इंडिविजुअल है या फिर कुछ स्टैंडर्ड रूल्स लोगों ने बता रखे हैं या आप सिखाते हो कि मेथड ऑफ बजटिंग मैं ये कह रहा हूं कि आपको पहले प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच रखो कि अपना पच्चीस परसेंट तो साफ ही कर दो दिखनाई नहीं चाहिए दैट इज नॉट योर तुमने कमाया ही नहीं है वो कमाया नहीं है वो गया ठीक है वो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए गया है वो आपके लिए उस दिन के लिए गया है कि जिस दिन आप काम नहीं कर पाओगे नहीं तो आप काम करते करते ही मरोगे <laughs> मतलब आप अपने आप को तो देखिए लोगों ने 20 पिछले 16 साल में मेरे दोस्तों ने गाड़ियां खरीदी मेरे दोस्तों ने घर खरीदे मेरे दोस्तों ने बैग्स खरीदे मैंने क्या खरीदा मैंने अपना टाइम खरीदा वो ये सब खरीदते रह गए मैं अपना टाइम खरीदता रह गया तो आज मैंने अपना टाइम कंप्लीटली खरीद लिया मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया वो आज भी नौकरी कर रहे क्योंकि उनको डेढ़ लाख रुपए की घर की ई एम देनी है सवा लाख रुपए की गाड़ी की ई एम देनी है छह लाख कमाने के बाद भी शांति नहीं आते महीने की जो मेरे पीयर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टडीज की थी छह लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी फोन ही आता है कि यार अभी तक एस नहीं चालू कर पाए ओह हो हो क्योंकि वो अपना ये सब खरीद रहे थे ना आई दे रहे हैं तो कैसे कैसे देंगे अब कैसे करेंगे क्योंकि लीजर है स्टेटस है शाम हर सैटरडे को घर पे लोगों को दारू पे बुलाना है महंगी अट्ठारह साल वाली बिलानी है तो हम तो भी स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं ठीक है करते रहो हम तो फ्री हो गए ये आपका माइंड है तो आपको पहले अपना माइंड बिल्ड करना है कि वॉट डू यू वॉन्ट इन लाइफ डू यू टू बी एस नेव एंड वर्क ऑल योर लाइफ और यू वॉन्ट टू से आई विल स्ट्रगल फॉर द फर्स्टीन टेन फिफ्टीन ईयर्स फर्स्ट आई विल बाय माई ओन टाइम एंड देन आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट ये चॉइस आपकी है मेरी नहीं है आपको लगता नहीं जी आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग टिल सेवेंटी एट्टी फोर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है बढ़ाते रहो अपने एक्सपेंसिस जैसे जैसे आपके इनकम बढ़ रही है तो ये पहली चीज होगी बजटिंग में कोई ऐसा रोल नहीं है बजटिंग में यह है आप पहले अपने गोल्स को सेट करो कि मेरे को ट्रैवल करना पसंद है तो ट्रेवल का बजट अलग था अब आप ट्रैवल आपकी तनखा पच्चीस हजार आप सोचो मैं अमेरिका चला जाऊंगा दस दिन के लिए वो पॉसिबल <laughs> आपकी तनखा पच्चीस हजार तो आप साल में एक बार ऋषिकेश जा सकते हो आप साल I में एक बार वो जा सकते वो वो हो जो एक पॉइंट आपने बोल दिया ना कि बजट और विजन आपस में मैच होना चाहिए आई थिंक दैट्स द अगर वो चीज किसी ने कर ली तो दैट इज एंड इट इज अलाइनमेंट इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस सर आपको देखिए एनएलपी सिखाते हैं

तो ये जो लिखने वाला काम है क्या डेली बेसिस पे कितना आया कितना गया डेली मेंटेन करना चाहिए बिकॉज कई लोग कहते हैं कि दैट्स नॉट अबंडेंस आपको रोज का ध्यान नहीं रखना लिखना नहीं चाहिए रोज का कितना गया कितना नहीं गया इज़ योर टेक ऑन दैट क्या एवरी पेनी दैट वी स्पेंड देर शुड बी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ रिलायंस आज क्या आपको खर्चा करता है डॉक्यूमेंट नहीं करता नहीं पड़ता पड़ता उनको तो सरकार को दिखाना है इन्वेस्टर को दिखाना पड़ता है, पड़ता है. हाँ. अगर आज उनके यहाँ पच्चीस रुपए आधे लीटर का दूध आता है ना तो लिखा होता है yes. right. आपको डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा किया था, था खाना इतने का आया था ये इतने का आया था तो क्या वो अब कॉन्शियसनेस और अब दो थोड़ी अलग चीजें राइट right. आपका कॉन्शियस होना जरूरी है दिस इज अटर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस ये जो आपको बजटिंग है वो आपको कॉन्शियसनेस देता है कि भाई मैं खर्चा क्या करूं मैं कम कम करने थोड़ी कह रहा हूं खर्चा मैं कह रहा हूँ पता योर विजन एंड योर बजट शुड अलाइन मेरा पॉइंट ये है आप रोते रहोगे कि मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा और आप यहां पे सिगरेट फूक रहे हो या फिर आप सब्सक्रिप्शन को पैसा दे रहे हो या फिर आप गलत चीजों में पैसा डाल रहे हो तो आपका रोना गलत है बिकॉज योर विजन एंड योर एक्सपेंस आर नॉट मैचिंग विद ईच अदर इट इज ओनली अ मैटर ऑफ दैट ये बोलना कि इतना मत सोचो पैसा कहा जा रहा है आई टोटली डिसग्री विद दैट बिकॉज एवरी डैम ऑर्गेनाइजेशन

तो जो टैक्सेस हमसे लिए जाते हैं और जो सर्विसेज एक सिटीजन को मिलती हैं कितना गैप आप इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में आप देखते हैं और इस बार का जो बजट है वो क्या एक आम व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है मैं इसको थोड़ा हाउस होल्ड से कंपेयर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी का घर है और उस घर में बत्तीस लाख की कमाई है साल की और अड़तालीस लाख का साल का खर्चा है तो पापा कैसे एक्ट करेंगे तो खर्चे कम करेंगे यस yes. ठीक है बाहर नहीं जाने देंगे आपको आपके फ्रिल्स को कम करेंगे पहले तो उधार लेंगे कहीं से बचा हुआ सोलह कवर करें हाँ, यस ठीक है या घर में कोई, असेट तो बेचेंगे, कोई बेचेंगे। सरकार का भी है। उनकी बत्तीस लाख करोड़ की कमाई है अड़तालीस लाख करोड़ का खर्चा है कितना उधार लूंगी कितना पीएसयू के शेयर बेचूंगी तो हम इस स्थिति में आगे ये ना देखिए सालों साल से जो प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे हमारी आमदनी नहीं है खर्चा रुपए तो आमदन देखिए अब घर में चार बच्चे हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूट उसमें से दो बच्चे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बत्तीस लाख या एक बच्चा कर रहे बत्तीस लाख में बाकी तीन निटल तो जब बजट में प्रॉब्लम आएगी घर में तो प्रेशर किस पे डाला जाएगा जो कमा रहा है उसी पे तो डाला जाएगा बेटा थोड़ा और कमा के लिया थोड़ा ये तीन तो डल इनसे क्या आपकी अपेक्षा करें सो so ट्रू तो यही हो रहा है आपके 80 करोड़ लोगों को आज अनाज सरकार दे रही है खिला रही है और आप और मैं कमाऊ पूत है हमारे जैसे कुछ कमाऊ पूत है तो हमें बोल देते बेटा थोड़ा यार तू देख ले यारू दस परसेंट एल टी सी जी की जगह साढ़े बारह दे देना यार है ना या तो तू शॉर्ट टर्म पंद्रह की जगह बीस परसेंट कर देना वो तेरे को एक बेनिफिट दिया था ना इंडेक्सेशन का वो इस बार नहीं दे पाएंगे अब हम तो वो तक हम हूँ पुतो से तो उम्मीद करेंगे और किससे करेंगे तो हमारे से उम्मीद की जा रही है हमारे को करना पड़ेगा चॉइस मतलब हमारे पास चॉइस नहीं है इसमें कोई और बहुत समय तक नहीं रहेगी मैं आपको बोल रहा हूँ अगर कोई ये सोच रहा है कि ये स्थिति अगले चार पाँच साल में टोटली रिवर्स हो जाएगी आई डाउट आई थिंक दिस दिस विल बी वेरी लॉन्ग लिव बिकॉज मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ पिछले साल पैंतालीस लाख करोड़ का खर्चा था इस साल अड़तालीस लाख करोड़ का कर खर्चा तीन लाख करोड़ ज़्यादा खर्चा हो रहा साल का सैवन परसेंट एट परसेंट से आपका कॉस्ट ऑफ मतलब लिविंग कॉस्ट ऑफ रनिंग द कंट्री इज इंक्रीजिंग बाई सेवन टू एट परसेंट एंड पीपल आर गेटिंग मोर फायर्ड नाउ बिकॉज ए आई आ गया है तो जॉब्स और कम हो रहे हैं uh, सरकार को जॉब्स के लिए बहुत प्रेशर है कि भाई जॉब्स क्रिएट करो तो अभी जो सिचुएशन है वो परमिट ही नहीं करेगी सरकार को कि वो हमारे जैसे जो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्सेस को लेकर उसको कोई बेनिफिट्स दे पाए तो इसलिए मैं कोई नाराज नहीं होता कोई दुखी नहीं होता आई नो दिस विल हैपन है दिसन है हाँ, है ऑप्शन आप समझे ना वही मैंने जो दिया कि घर में आपके चार या पांच बच्चे हैं उसमें से कमा एक ही रहा है ना उसी तो पे पर उसी से अपेक्षा है उस उसपे अपेक्षा भी उसी से है बेटा आज तेरी तनख्वाह समझो दस लाख रुपए साल की है तो कल बेटा तेरे को पंद्रह करनी पड़ेगी ये तो नहीं कर रहे कुछ मैं नहीं कुछ कर सकता इनका ये तो ऐसे ही बैठेंगे यहाँ पे कंचे खेलेंगे खेलना ठीक है तो आजकल जो इतने सारे कई बिजनेस मैन है जो दुबई में स्पेशली ऑपरेशनस अपने शिफ्ट करते हैं और दुबई से ऑपरेट करते हैं तो ये इसी टैक्सेशन सिस्टम की वजह से दे आर डूइंग इट अगर आप कुछ इसमें कैलकुलेशन दे सकें कि सपोज कोई व्यक्ति एक करोड़ रुपया एक कंपनी प्रॉफिट बनाती है इंडिया में और वही सेम एक करोड़ अगर दुबई में बनाती है तो इन हैंड फाइनली किसके पास कितना रहने वाला है इफ यू दे तो दुबई विल बी फेवरेबल फॉर यू अच्छा अगर आप साल का तीन करोड़ रुपए कमा रहे हैं तीन करोड़ या उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो दुबई इज अ फेवरेबल कंट्री फॉर यू उसका रीजन ये है क्योंकि पच्चीस लाख में आपका वहां लिविंग इज वेरी हाई तो आप जो इंडिया में दो लाख रुपए महीने में जी सकते हो वहां पे आपको वो छः सात लाख रुपए महीने में जीना मतलब तो लग जाता है सेम चीज़ yes. तो थ्री एक्स की कॉस्ट है तो तीन करोड़ में फिर आप वो सब निपटा सकते हो दूसरी चीज ये है कि फ्रॉम टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट दुबई में जो वैट है जो हमारा जीएसटी वहां फ्लैट फाइव है इंडिया में वो अलग अलग स्लैब्स है पांच बारह अट्ठारह अलग अट्ठाईस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस टैक्सेशन आई थिंक वहां पे करीबन एक लाख डॉलर के आसपास तक आपको बिजनेस टैक्स नहीं देना पड़ता और उसके बाद भी अगर बिजनेस टैक्स देना है तो सिर्फ नौ परसेंट देना पड़ता Corporate tax, Corporate tax है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स जिसे कहते हैं जो यहाँ जीरो से स्टार्ट हो जाता है और आपको पच्चीस परसेंट देना पड़ता है और अगर आपकी रेवेन्यू चार करोड़ से ज्यादा है साल का तो आपको तैतीस देना पड़ता है तो ये इंडिया का मतलब जो है डिफरेंस है तो ऑब्वियसली इंडिया इज अ वेरी हाई टैक्स रिजीम अगर आप सौ रुपए का रेवेन्यू करते हैं तो मोटा मोटी आपके पास

तो जो सैलरीज दे रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं ये सब कर रहे हैं तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है इससे कोई सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में अगर अगर हम, है, हम एक तो एम्प्लॉई हैं सपोज कोई सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ है हाँ तो उसको जैसे जीएसटी देना ये जी भरना पड़ रहा है मगर उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है जीएसटी का तो उसकी कॉस्ट हो गई तो उसके ऊपर तो 18 परसेंट और चला गया हाँ, और गया। प्लस जो अगर वो 20 लाख हाँ। तो उस हाँ। हाँ। तो तो <laughs> तो देखिए टैक्स तो इंडिया में ज्यादा है टैक्स तो इंडिया में बहुत ज्यादा है नो कोई डाउट ही नहीं है इसके कम होने के चांसेस भी नहीं है बट सिचुएशन अच्छा बताया बिकॉज मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस की वॉट इज द रीजन Why they 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 are are doing it? Yes. because they are also trapped. हाँ. They, they have no choice. मैं मैं clear करना चाहता कुछ कुछ लोगों ने मेरे को पिछले कुछ एक podcast में थोड़ा लिखा मोदी समर्थक मैं मोदी समर्थक नहीं हूँ आप अपेक्षा नहीं कर सकते मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं उनको आप जो सिचुएशन भाई मैथ तो मैथ है ना सर भाई अगर मैं परिवार के एग्जांपल से बताया कि 32 लाख परिवार कमा रहा है 48 लाख खर्च है तो पापा तो स्ट्रिक्ट होंगे कुछ कर ही सकते पापा ने तो घर घर तो खत्म हो जाएगा किसी भी दिन राइट right. जबकि वो, वो हाँ, तो to to तो बाकी चार तो नहीं डील करने के लिए क्या करते हैं हम कितना ही गेम को समझते हैं बट कई बार प्रेशर एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर आपके पास लोग इतने कंसल्टेंसी में आते होंगे सो फाइनेंसिस की कमी की वजह से कितना स्ट्रेस में लोग जाते हैं और क्या वो कोप अप कर सकते हैं उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए देखिए अगेन मैं अपने हमारे संवाद से कुछ चीजों का इसमें बहुत सिंपल आंसर है फर्स्ट है अपना कॉन्शियसनेस लेके आओ अपनी बजटिंग लेके आओ मैं इसका ना एक फोर स्टेप फ्रीवर्क देता हूं पहला स्टेप है बजटिंग टू बी अवेयर ऑफ वेयर यू आर राइट तो आपको पता चल जाएगा कि आप खर्चे किस पे कर रहे हो कहा कर रहे हो वेर इज योर मनी गोइंग

अगर मैं उनसे पूछूं कि आपका बजट क्या है आपका फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है आप कितना वेरिएबल कॉस्ट कर रहे हो कितना प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हो जीपी कितना है बेटा कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है नेट प्रॉफिट कितना तो नहीं पता होता लोग जबकि इधर रनिंग एन एंटरप्राइज ऑफ हंड्रेड करोड़ रुपीज रेवेन्यू टू हंड्रेड करोड़ रूपीज रेवेन्यू नहीं पता होता एंड आई डोंट ब्लेम देम ठीक है उन्होंने आज तक इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं पर फिर आप स्ट्रेस में आते ही इसलिए हो क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं हो ठीक है तो पहली चीज आप बजटिंग करो सेकेंड चीज़ आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करो ये बहुत जरूरी है इमरजेंसी फंड भी सिंपल मैं इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे एक सेना प्लेन होता है छोटा प्लेन उसको लैंड करने के लिए मात्र एक किलोमीटर का रनवे चाहिए फिर एक थ्री A3, ट्वेंटी होता है उसको लैंड करने के लिए आपको ए एक डेढ़ दो किलोमीटर का रनवे चाहिए और एक ए थ्री एट्टी होता है जम्बो उसको तीन साढ़े तीन किलोमीटर का रनवे चाहिए तो आप अगर सिंगल हो तो आप से हो तो आप छह महीने का अपना आपके पास कॉस्ट आपके जो खर्चे हैं उसका छह महीने का आपके पास एफडी में होना चाहिए पहले दिन नहीं होगा उसको बिल्ड करो ठीक है ठीक है अगर आप ए थ्री ट्वेंटी हो यानी आप एक आप एक हस्बैंड वाइफ तो आपके पास एटलीस्ट नौ से दस महीने का होना चाहिए और अगर आप एक पूरा परिवार हो दो बच्चे हैं सबको ये है तो आप बारह से पंद्रह तब तो आप ए थ्री एट्टी हो गए तो आप बारह से पंद्रह महीने का आपके पास एक रिजर्व क्रिएट होना चाहिए अब आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मेरे पास एक रिजर्व है कल को प्रॉब्लम होगी तो कोई फर्क और इस रिजर्व को कहीं नहीं डालना चुपचाप एफडी में डालना कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आके बोले एफडी बेकार है बोले थैंक यू सो मच वो तो पैसा एफडी में ही होगा इमरजेंसी तो उसका काम रिटर्न कमाना नहीं है उसका काम है इमरजेंसी में आना ठीक है ऑब्जेक्टिव <laughs> क्लियर है उसका देखिए अपेक्षाएं हाँ। क्लियर रखो उसके बाद निवेश चालू होगा अब तीसरा होता है इंश्योरेंस आजकल देखिए लाइफ इज वेरी अनसर्टेन हेल्थ इज वेरी हेल्थ इंप्रूवमेंट कॉस्ट आर वेरी हाई यस आप एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस लो जो आपकी इनकम का बीस से पच्चीस गुना है और टर्म लो ये यूलिप फोलिप ये सब मतलब क्योंकि ये मैं इतना करोगे तो बीस साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे कुछ नहीं प्योर टर्म इंश्योरेंस मृत्यु के बाद क्या मिलेगा अब हाँ बस अगर बच गए तो गए वो पैसे और खुश होना कि बच गए तो <laughs> <थीज़ी बात। laughs> तो मतलब आप खुद इसके लिए वो नहीं कर रहे हो कि मतलब चलो आकाश में मर ही जाता तो कब तो आपने ट्वेंटी टू ट्वेंटी आपकी इनकम का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए सेकेंड है अगर आप एक परिवार अगेन एक हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो एटलीस्ट दस से पंद्रह लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर का आपके पास आ, वो होना चाहिए दो हजार साल के फालतू देने पड़े चाहे आपको चार सिगरेट दिन की कम फूकनी पड़े प्लीज ये वाला काम करके तो ये हो गया आई बी आई और चौथा आई है इन्वेस्टमेंट अब आप इन्वेस्टमेंट्स का भी जर्नी चालू रखो ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं चाहे आपके बच्चों की शादी है आपको खुद को पढ़ना है आगे जाके फिर से डबल एमबीए करनी है डबल को ग्रेजुएशन करनी है आपको गाड़ी खरीदनी है घर का डाउन पेमेंट करना है आपको 20 साल बाद रिटायरमेंट पानी है उन सब के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट करो बस सिंपल और मस्त आई बी आई आई बजट एवरजेंसी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट बस इसी लाइन दिमाग नहीं लगाना ज्यादा इसके अलावा आप दिमाग का लगाना है एक्टिव इनकम बढ़ाने में ये सब कर दिया आप सेफ हो गए ठीक है और ये सब करने में आपको पूरे महीने में दो घंटा लगे that's it. बस उसके अलावा जो बाकी समय है वो आपके पर्सनल आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में अपनी इंप्रूव, सेल्फ इंप्रूवमेंट्स में अपने एक्टिव इनकम को बढ़ाने में हासिल करने में डबल इनकम क्रिएट करने में ये सब में जाना चाहिए प्रॉब्लम क्या है लोग यहाँ पे अपेक्षा पूल जरूल कर देते हैं तो वो बेचारे मारे जाते हैं uh,

प्लॉट्स ले लो आ, रियल एस्टेट रियल इस्टेट ले लो तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं जगहों पे मेनली किए और बाकी कुछ म्यूचुअल फंड्स में किए जिसमें तेरह चौदह परसेंट के रिटर्न मुझे आ, आते हैं पर वो मतलब मैं करके भूल गया हूँ मतलब मैं उसमें कोई दिमाग नहीं लगा दिमाग नहीं लगाता हूँ जो मेरे मैनेजर हैं वो देखते हैं बस कभी कभार आके बताते रहते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है मैं अगर कहूँ तो आपने सबसे ज्यादा बेनिफिट

आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो बहुत ही मज़ा आया संजय जी इतना मस्त सिंपल तरीके से आपने इसको समझाया और आई थिंक इतना सिंपल समझाया कि लोगों का और जानने का इंटरेस्ट बनेगा कि ये वरना लोगों को ना ये बोरिंग लगता है सब्जेक्ट कि फाइनेंस ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं है लोगों में बहुत से लोग सीखना चाहते हैं बट कई बार कुछ इंटरेस्टिंग बना के कोई सिखाए तो लोगों का इंटरेस्ट और ज्यादा बनता है तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंगली आपने लोगों को सिखाया थैंक यू सो एंड नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर श्योर लेट्स गो फॉर द रैपिड फायर सो नाउ वी विल स्टार्ट रैपिड फायर जी रेडी जी स्टॉक्स और बॉन्ड्स स्टॉक्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स व्हाट इज योर फेवरेट फाइनेंशियल बुक मेरी फेवरेट फाइनेंशियल बुक है भगवत गीता भगवत गीता ये yes. तो यार ये तो रैपिड फायर है बट इसमें अगर आप एक्सप्लेन करें कैसे क्योंकि मैंने जैसे बताया 90% माइंडसेट का गेम है 10% स्किल का है

गीता में से आपने उठाए हैं और आप यूज करते हो अपनी लाइफ में एक श्लोक तो सबसे फेमस है टू फोर्टी सेवन की कर्म कर फिल, फिल की चमत कर बट एक श्लोक है जो मेरे को बहुत पावरफुल लगता है वो है चौथे अध्याय का चालीसवां श्लोक है जिसे हम कहते हैं अज्ञाना अज्ञानाच श्रद्धाचार संशयात्मा विनशति ना या लोको अस्थि पर हो ना सुखम संशयात्मा मतलब कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है और जिसमें अज्ञाना अज्ञान श्रद्धाना नाचा यानी जिसमें ज्ञान नहीं है और श्रद्धा नहीं है Somebody who doesn't have knowledge and somebody who doesn't have conviction. ऐसी आत्मा का आत्मा का विनाश होना तय ठीक है ना या लोकी, लोको अस्थि ना परो ना सुखम हम संशय आत्मा मतलब उसको कोई भी लोक में सुख नहीं मिल सकता तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स में इसको लगाऊं कि जब तक आप किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं गेन कर लेते तब तक कन्विक्शन बिल्ड नहीं होता और जब नॉलेज और कन्विक्शन नहीं होता आपके माइंड में हमेशा संशय रहता है

investing style passive and sloth but the don't touch <laughs> best financial advice you have ever received your uh, efforts are inversely proportional to your returns gold or real estate gold most underrated investment long-term patience crypto a future or fad fad india but the fad morning person or night owl a little bit of night owl what is your favorite finance quote the first rule of compounding is don't disturb it. Most memorable trade? In a month, I made uh, on my options trading around about 9.5%. Diversification or specialization? Not highly diversified. That doesn't give you returns. That preserves your capital. Best tool for financial planning? Excel sheet. <laughs> 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 wow, old is golden. Eh?

गॉड इज काइंड ऑन मी की ही इज चोजन मी टू डू थिंग्स विच हैव फार रीचिंग इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ अपार्ट फ्रॉम दिस इज रोग और ऋण इसके अलावा तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं लाइफ में लोगों के या तो रोग है या ऋण है तो मैं ऋण का डॉक्टर हूँ कुछ लोग रोग के डॉक्टर होते हैं तो आई थिंक दैट दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई ब्यूटिफुल संजय जी